टीवी योर चैनल ऑफ चॉइस पर। गुड इवनिंग देवियों और सज्जनों, थेम स्पीक्स के इस आज के कार्यक्रम में एमए टीवी स्काई 711 पर आपका हार्दिक स्वागत है। थेम स्पीक्स वो कार्यक्रम है जिसमें हम लाते हैं वो चुनिंदा किस्से, वो बातें जो हमारे दिलों को छूती है, वो सारी चीज़ें जो इस देश में घटित होती हैं, या वो सारी डाइवर्स चीज़ें जो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खित्तों में घटित हुई और जिन्हें हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल मिला, उन सारी चीज़ों के बारे में, उन सारे लोगों के बारे में जो कभी मीडिया में नहीं आए, उन सारे लोगों के बारे में जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बहुत बड़े बड़े काम किए, अपनी ज़िंदगी को लोगों के लिए दांव पर लगाया, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है उसकी शायद शुरुआत बरसों हज़ारों बरसों पहले हुई, कार्यक्रम की शुरुआत हुई इस आज के इस जो विषय है उसकी शुरुआत हुई हज़ारों सालों पहले, जब इंडस वैली पर इस पूरी दुनिया की सबसे पहली सभ्यता फल फूल रही थी। उस इंडस वैली के सिविलाइजेशन में जब कांस्य सभ्यता थी, उस दौरान जब वहाँ के किसान टर्मरिक की, मूंग की, उड़द की और दूसरी चीज़ों की, जिंजर की, इन सब की खेती कर रहे थे, उन सारी हर्ब्स और स्पाइसेस को अपनी ज़िंदगी का आमूलचूल हिस्सा बना रहे थे, उस ज़माने में आज से कम 5-6 हज़ार साल पहले ये सारा किस्सा शुरू हुआ। उसी किस्से को यदि हम आगे देखा जाए तो उसी किस्से के दौरान वेदों की रचना हुई, उन वेदों की रचनाओं में उन सारी चीज़ों को समाहित किया गया जो वहाँ की आमूलचूल ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए भोजन था, और धीरे धीरे वो एक ऐसी चीज़ों में तब्दील होती गई। और जब धीरे धीरे एक 3,500 साल पहले वो अलग अलग किताबों में, संस्कृत में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगह पर लिखी गई, फिर जब वहाँ से शिफ्ट धीरे धीरे अलग अलग जगह हुआ, तो जब भारत का गोल्डन टाइम आया, उस गोल्डन टाइम में वो सारी किताबें, वो सारी चीज़ें और बातें 2-3 किताबों में बहुत अच्छे से समाहित की गई, वो और वो है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इन दोनों में उन पिछले 6,000-7,000 साल पुराने सारे ज्ञान को निचोड़ कर समाहित कर लिया गया और भविष्य के लिए एक ऐसी आधारशिला तैयार कर ली गई कि फ्यूचर की जो जनरेशन है वो उनको अच्छे से यूज़ कर सके, और वो है, वो हुई सब एक गुप्ता एम्पायर के काल में। इन सारी चीज़ों के बीच में जब भारत को ऐसा जाना जाता था कि जो मोर जहाँ नाश्ते हैं वो देश है, जहाँ पर अलग तरह की हर्ब्स और स्पाइसेस हैं, जहाँ पर कॉटन सबसे अच्छा टेक्सटाइल है, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस ज़माने में ये सभ्यता फलती फूलती जा रही थी और उसका नाम था आयुर्वेद। और ये एक ऐसा सिस्टम था जो हर ढाणी से लेकर बहुत बड़े शहर, हर जगह अच्छे से फल फूल रहा था। और एक ऐसा दौर भी आया जब इसने अपना पतन देखा। पतन इसलिए देखा क्योंकि जब कोई राष्ट्र अपनी अस्मिता को, जब अपनी स्वाधीनता को खो देता है तो वो अपने खुद के मूल्यों को खो देता है। लेकिन पिछले 50 सालों में धीरे धीरे उसका पुनर्जागरण हुआ, देश और विदेश के अलग अलग लोग आयुर्वेद के बारे में वापस जानने लगे और उन्हें लगा कि एक ऐसी चीज़ है। किसी फेमस राइटर ने लिखा कि आयुर्वेदा इज सेट टू बी एन एटर्नल साइंस that first existed in the universal consciousness which is known as Brahma before it was passed from the creator to the ancient Indian mystics through meditation. तो एक ऐसी चीज़, एक ऐसा eternal science जो ब्रह्म से इस मनुष्य शरीर में meditation के through आया, वो ज्ञान का अर्जन हुआ, उसी आयुर्वेद पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साउथ लंदन सट्टन से डॉक्टर रचना शर्मा। वेलकम डॉक्टर रचना शर्मा। Namaste, Harinder ji, and thank you so much for inviting me here today. मैं आयुर्वेद के विषय में अलग अलग चर्चाएं कर रहा था और मुझे ऐसा लगा कि हर आदमी एक उस
उसकी जर्नी के बारे में जानने को बड़ा उत्सुक और इच्छुक है, पर ये भी जानने को इच्छुक है कि जो हमने वेस्टर्न एजुकेशन के बाद एक लॉजिकल माइंड डेवलप किया है, तो वो ये पूछना चाहता है कई बार कि आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद के अलग अलग रूप क्या हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयुर्वेद को इफेक्ट करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छी तरीके से यू नो कैप्चर द एसेंस ऑफ इट कि विलुप्त जो हो गया था आयुर्वेद का नॉलेज वो अभी रिसेंटली लास्ट 50 इयर्स अभी वापस आ रहा है एंड वी हैव सीन इनफ यू नो मोमेंटम हैपनिंग इन द वेस्ट एज वेल इन आयुर्वेद। सो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद लिटरली ट्रांसलेट्स इन संस्कृत इट्स टू वर्ड्स बेसिकली आयुर and Ved. Ayur is life and Ved is science. So Ayurved is science of life. ये करीब 3,500 से 5,000 साल पहले it's originated in India and it's a traditional medicine system of India basically. लेकिन अभी इंडिया में आप देखेंगे तो it is a parallel medical system. So in a Western, we see Ayurveda as complementary. We haven't yet started seeing it as a alternative treatment. Like in India, it's actually established as alternative treatments and treatment medicine system, basically. So Ayurveda is based on very basic of principles of five elements. Hum or hamara pura environment. We believe that it is made up of five basic elements. जिसे हम पंच महाभूत कहते हैं. Perfect. Yes, Pancha Mahabhuta, which is in most of our scriptures and even Gita and most of the Vedas, it is mentioned as anything around us, surrounding us is made up of, including us, is made up of five basic elements. So these five elements, they have harmony, you know, they interplay with each other and then they then manufacture or produce three basic energies. And this is the base of Ayurveda. Vata, Pitta, Kapha. So Vat is air energy, Pitta is fire energy, and Kapha stands for earth energy. And all of the knowledge of Ayurveda is based upon these three basic principles. So uske baad aata hai, how one can take benefit from Ayurveda and lead a very healthy life. So main is par ek choti si cheez add karna chahunga. वात पित्त एंड कफ, तीन टाइप के एनर्जी हमारा शरीर पंच महाभूत है। ये शायद उस जमाने में ये चर्चा शुरू हुई जब उसी ज़माने में इवन जैसे कह सकते हैं कि हिब्रू में या फिर ग्रीस में या फिर अलग अलग सभ्यताएं जो अलग अलग दौर में अलग अलग जगह थी, कहीं पर वो पूरी दुनिया को पूरी यूनिवर्स को चार एलिमेंट्स से बना हुआ मानती थी, कहीं पर पाँच एलिमेंट्स। प्लेटो एरिस्टोटल सब ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए, पर भारत ने चार की जगह पाँच पंच महाभूत का जो कॉन्सेप्ट दिया। हम डिटेल में चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद कि वात पित्त और कफ में इंसान के शरीर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, पर क्या ऐसा है कि शायद ये कॉन्सेप्ट है कि जो ही हम आयुर्वेद का नाम लेते हैं तो लोगों को ऐसा फील होता है कि शायद आयुर्वेद सिर्फ इंडियन फूड रिकमेंड करता है, क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स डेफिनेटली अ मिसकंसेप्शन अबाउट आयुर्वेद because we have to understand the basic principles first of all. So Ayurveda mein bola hai ki food jab aap choose karte ho, so uske kuch principles likhe hue hain. So ek to ingredients ki taraf dekhiye, are these ingredients, simply bola hai ki locally produced ingredients lijiye. One which is in season, वो ही खाना खाना चाहिए कि जो सीजन, जैसे मैंगो का सीजन अभी आ रहा है, सो सिंपली आयुर्वेद सजेस्ट लोकली प्रोड्यूस, लोकली सोर्स्ड, ऑर्गेनिक और सीजन में खाना खाना चाहिए। और एक प्रिंसिपल आयुर्वेद कहता है कि हमारी खुद की एनर्जीज को जानिए, यू नो अबाउट योर प्रकृति, विच वी विल टॉक अबाउट इन लिटिल बिट डिटेल लेटर ऑन। लेकिन खुद की प्रकृति को पहचानिए और उस हिसाब से आपका डाइट रखिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस प्रिंसिपल, यू कैन ईजीली अप्लाई टू एनी ट्रेडिशनल क्यूजीन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। So Ayurveda is not restrictive to only Indian food and it's definitely a misconception. तो शायद इसका मतलब मैं वेस्ट में, मुझे, मैं पहला ऐसा सोचता था कि आयुर्वेद में ऐसा कहते हैं कि आप सिनेमन लीजिए या फिर आप टर्मरिक लीजिए, तो मतलब मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद वेस्ट में जब आयुर्वेद का प्रेस्क्रिप्शन करेंगे तो ऑन ए लाइटर नोट हो सकता है कि ऐसा लिखा जा सकता है कि आप मैकडी के फ्राइज खाइए या फिर आप KFC का ये पर्टिकुलर फूड खाइए, इट विल हेल्प यू फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ। और
क्या आयुर्वेदिक जो सिस्टम है उसका कोई साइड इफेक्ट है? बहुत डिबेटिंग फैक्टर है एक्चुअली, बट एज आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर मैं लास्ट 20 इयर्स आई एम प्रैक्टिसिंग एज आयुर्वेदा एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड अगेन आई वुड क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आयुर्वेद इज नॉट जस्ट अबाउट जड़ी बूटी. It's not about just giving herbs or any prescription, herbal prescription. It is actually a holistic system which includes dietary suggestions, lifestyle suggestions, exercise batata hai, jaise yoga bataya hai, meditation batata hai, counseling bhi hota hai, and one of the treatment part is about giving you internal medication. So definitely as an Ayurvedic practitioner, my treatment would not be solely based upon just providing herbal treatment or herbal drugs. Secondly, if we look at the ingredients what Ayurveda use usually to manufacture herbal medicines are plant-based or spices. Those we use it in our everyday cooking most of the time. So our human body is very adapted to those kind of, you know, herbs or spices. So बहुत rare occurrence में ऐसा होता है कि कोई side effect आया हो. तो मैं example देती हूँ आपको side effect क्यों आता है. जैसे Ayurvedic external applications are based on sesame oil और almond oil का base होता है usually. अब आप एलर्जिक है अगर उसमें नट एलर्जी है आपको और आपका और आपके आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है या फिर आपने किसी ने रेकमेंड किया है और आपने यूज कर लिया है देन देर आर रियली चांसेस कि एलर्जिक कंडीशन हो सकती है यू नो साइड इफेक्ट हो सकता है. लेकिन आपका आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर अगर आपके एनर्जी को पहचानता है बिकॉज इट इज अ यूनिक सिस्टम विच एक्चुअली वन प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट फॉर एवरीबडी. जैसे पैरासिटामोल हर एक के लिए नहीं पैरासिटामोल होता है. इसे कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं कि लॉक एंड की मॉडल. हर ताले की एक ही चाबी है, यूनिक चाबी. Every individual has got a unique fingerprints. So I think Ayurveda में ऐसा मानते हैं कि every unique has got their own prakriti, their own nature. Yes. उनकी खुद की body का एक particular own nature है. पर शायद as a layman, मेरे जैसे जो layman है वो शायद ये समझने में हम गलती कर देते हैं कहीं पे कि हमें उस प्रकृति के बारे में पता ही नहीं चलता कि हमारा शरीर की प्रकृति क्या है. Exactly. और उसका एक कारण ये है प्रकृति को खुद के शरीर को समझने के लिए आपके पास बैठकर सोचने का और समझने का और ऑब्जर्व करने का एक तरीका होना चाहिए. वो हम लोगों के पास नहीं है. हम सो कॉल्ड साइंटिफिक लिटरेट तो हैं बट हम उसको शायद अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते. तो शायद हमारी प्रकृति हमें नहीं पता कि हमारी प्रकृति कैसी है. सही बात है. और दूसरी जो परेशानी है जो मैं सीरियस नोट पे कहूँगा, लाइटर नोट पे नहीं कहूँगा, आज के ज़माने में और आज के दौर में इंसान के पास बैठकर इतना सोचने का समय नहीं कि उसका खुद का शरीर कैसा है और क्या कर रहा है. उसके पास बैठकर सोचने का ये जरूर समय है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और दुनिया भर में क्या चल रहा है. मतलब हम जितने ज़्यादा अमेरिका की, सऊदी अरेबिया की, इंडिया की तकलीफ़ों से जितना ज़्यादा जूझ रहे हैं, जितना समय और एनर्जी हम उन बड़ी चैलेंजेस को समझने और सॉल्व करने में लगा रहे हैं, शायद उसका 1% हम ये समझने में नहीं लगा रहे हैं कि हमारी खुद की प्रकृति कैसी है. कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे हम अपनी प्रकृति को समझ सकें? शॉर्टकट तो कहीं पे भी नहीं. द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इन एनी फील्ड स्टडी, यू नो, यू हैव टू वर्क on it definitely. लेकिन मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ यहाँ पे. यू हैव डेफिनेटली मेंशन अबाउट कि समय नहीं है, बट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक व्हाट आई हैव सीन इंक्रीज्ड इज पीपल एक्चुअली हैव स्टॉप्ड फ्रॉम देयर डेली एक्टिविटीज. दे हैड गॉट द टाइम एंड आई हैव सीन इनफ इंक्रीज इन द क्वेरीज आई रिसीव एंड यू नो इंक्वायरीज पीपल सेंट थ्रू. Yes, when people had this opportunity, most of the people have utilized it in the right way. So being mindful is what I would suggest here. Ki choti si tip or shortcut is just listen to your body. This is the tip. Agar aapko acidity ke jaisa mehsoos ho raha hai, don't just ignore it and eat fries or crisp, you know, salty or sour food. Listen to your body. Aur uska opposite jo action hota hai, jaise fire, aap feel kar rahe ho andar, to just opposite energy wala food khaiye. Ya fir fasting kariye. Even if you are able to listen this, बहुत सारे problems से आप खुद को बचा सकते हैं. ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हम अपनी बॉडी की आवाज़ को सुने. पर मैंने कहा ना कि हम इतने मशरूफ हैं, हम इतने व्यस्त हैं कि हम दुनिया जहान की बातें सुनते हैं पर शायद हम खुद के मन की बात नहीं सुन पाते. और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है.
ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है कि मोस्टली लोग ऐसा मानते हैं कि जो आयुर्वेदिक जो है वही लोग फॉलो करते हैं जो या तो वेजिटेरियन है या वीगन है। नहीं, वो बहुत बार मुझे पूछने में आता है ये सवाल एक्चुअली। व्हेनेवर आई डू वर्कशॉप्स द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज सात्विक फूड एंड इज इट आयुर्वेदिक फूड और डू व्हेन आई ईट मॉडर्न फूड इट डज नॉट कंसीडर एज आयुर्वेदिक फूड। सो नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एक्चुअली कि आयुर्वेद में सिर्फ वही लोग कर सकते और अप्लाई कर सकते या यूज कर सकते जो वेजिटेरियन है। यस, नहीं ऐसा नहीं है। यस, आयुर्वेद डेफिनेटली रिकमेंड्स टू शिफ्ट योर डाइट टूवर्ड्स वेजिटेरियन और वीगन इवन। उसका कारण यह है कि इट लुक्स एट अगेन द गुणास प्रकृति एंड उसका जो इंग्रेडिएंट है। सो यूजुअली व्हेन हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो पचने में थोड़ा भारी होता है। अगर आप वीक है, आप कोई एलिमेंट से गुजर रहे हैं या फिर आपका डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्टर्ब्ड हो चुकी है, आप अगर उसमें नॉन वेज फूड खाएंगे तो उसको पचने में टाइम लगेगा और इट कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स बेसिकली। सो एज अपोज टू द वेजिटेरियन डाइट, ये प्लांट बेस्ड होता है, यूजुअली सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं और ये पचने में बहुत आसान होता है। इसलिए जब आप बीमारी से गुजर रहे हो, द एडवाइस व्हाई आयुर्वेदा रिकमेंड्स वेजिटेरियन फूड इज सो दैट इट डजंट कॉज मोर प्रेशर ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन आई गिव यू वन एग्जांपल हियर, इट्स नॉट स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन आयुर्वेदा रिकमेंड्स। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें नॉन वेजिटेरियन सिंपली चिकन ब्रॉथ सूप has been recommended in Ayurvedic scriptures as well. Charak Sanhita bhi bhi mention hua hai ki especially for Vata people who are really, you know, weak and those who have air energies in, you know, imbalance hua hai, unke liye definitely mans rasa aur usko chicken broth jaise hum bol sakte hai ki soup, wo recommended hai. Lekin at towards the end, if people who want to live on a spiritual path or yogic path, you have to look after the gunas and uske liye sattva guni ahar is what recommended definitely. Shayad ye bhi ek concept hai aur shayad kafi log surprise honge is cheez se ki purane sangitaon mein aisa likha gaya ki aap mans rasam le sakte hain aur especially un logon ke liye jo weak hain aur jin jinke sath sharirik samasyaen durbalataen hain. Absolutely. लेकिन एक आयुर्वेद में एक चीज़ और मानी जाती है और शायद ये भी एक रीज़न है लोगों का एक प्रोटोटाइप बनने में, एक थॉट प्रोसेस बनने में, कि जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है दैट्स नॉट ए रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस, इट्स जस्ट एक ट्रेडिशन है जिसे हम चलाते आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई, कोई डेटा कलेक्ट नहीं हुआ, डेटा कहीं किसी बड़े जर्नल में पब्लिश नहीं किया, सुश्रुत ने या चरक ने कहीं किसी ब्रिटिश जर्नल या किसी अमेरिकन जर्नल में कहीं पर अपना कोई पेपर रिसर्च पब्लिश नहीं किया, किसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने चरक की बुक के ऊपर फॉरवर्ड नहीं लिखा, या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट वालों ने किसी ने सुश्रुत की किताब के बाद का उसका कोई रिव्यू नहीं लिखा। ऐसा क्या रीज़न है कि आयुर्वेद को रिसर्च बेस्ड साइंस नहीं मानते लोग? पहले तो मैं ये बताऊंगी कि 5000 साल से चलता आ रहा है आयुर्वेद। तो अगर ये मिथ्या होता, इफ इट इज जस्ट समथिंग, ये इतने सालों से ट्रेडिशनली चलता ही नहीं बेसिकली। ओके, सो यस, इट इज रिटन इन स्क्रिप्चर, सुश्रुत और चरक संहिता में 5000 साल पहले जो लिखा हुआ है, इट इज बिकॉज दे हैव डन द एक्सपेरिमेंट्स, उनके खुद के एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और उन्होंने वो ड्राफ्ट किए हैं, उसके ऊपर 5000 सालों से लोग अप्लाई कर रहे हैं वही नॉलेज और अभी भी इतना ही सक्सेसफुल है। सो आई डोंट फाइंड देयर इज अ नीड फॉर अस एज आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और सपोर्टर्स ऑफ आयुर्वेदा टू से और प्रोवाइड सम एविडेंस टुवर्ड्स इट फर्स्ट ऑफ ऑल। बट चलो ठीक है, क्योंकि मॉडर्न डे एंड एज वी ऑल बिलीव इन एविडेंस बेस्ड, एवरीथिंग हैज टू बी एविडेंस बेस्ड। सो देर आर सो मेनी रिसर्चर्स आर वर्किंग एट द मोमेंट, जैसे आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बोला है, इवन इन यूके एज वेल, थ्रू NHS एज वेल एंड कॉलेज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, विच इज एक्चुअली रियली टेकिंग ए रियली इंटरेस्टिंग रोल एट द मोमेंट इन प्रोपोगेटिंग द नॉलेज ऑफ आयुर्वेद, दैट सो मेनी रिसर्चेस आर हैपनिंग राइट नाउ एट द मोमेंट। इफ समबडी हैज इंटरेस्ट, सिंपली गो ऑन द क्लिनिकल ट्रायल्स वेबसाइट वेर ऑल द क्लिनिकल ट्रायल्स गेट्स लॉग्ड इन
और वहां पे जाके आपको पता चलेगा कि यू जस्ट नेम द हर्ब, टर्मरिक पे आपको रिसर्च जानना है, अश्वगंधा पे जानना है. इफ यू टाइप इन यू विल सी सो मेनी पेपर्स आर गेटिंग पब्लिश्ड एंड पीपल आर इंटरेस्टिंगली नाउ टेकिंग पार्ट इन दोज रिसर्च स्टडीज एज वेल. सो बहुत ये सही बात नहीं है बेसिकली, आई वुड लाइक टू से हियर. इसमें शायद इसका मतलब ऐसा है कि जो चीजें 5,000 साल के एक्सपीरियंस लोगों ने गेन की है इस रिसर्च से, शायद उस पर मोहर लगाने का काम है कि मॉडर्न लाइफ में इन चीज़ों को हम कैसे एक्सेप्ट करें, उसकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए, लोगों में ये विश्वास जताने के लिए कि ये उतनी इक्वली साइंटिफिक है जितनी बाकी स्ट्रीम्स हैं मेडिकल की. व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक सिस्टम? These two are actually the basic principles of these two medicine systems are completely different. So Ayurveda is based on prevention. The whole knowledge, the whole principle, the advices is all based upon prevention, and that is the beauty of Ayurveda. So that we don't fall prey to the chronic conditions due to wrong lifestyle or dietary, you know, choices. So this is based upon prevention. As opposed to the conventional medicine system, which is heavily based upon finding a cure and suppressing the symptoms. So this is completely different philosophies of these two medicinal systems. The second thing is about the ingredients, the drugs they use to treat, you know, any condition. So Ayurveda is again heavily based upon natural ingredients, connecting to, you know, our roots, connecting to nature, trying to use as much as pure forms. So simple, I mostly practice with single herbs, powder form mein, wo bhi, without any mixture, without processing. And I have been successfully doing that from last 20 years. So it's absolutely minimum use of any herbs, where as opposed to the conventional medicine, it's based upon drugs which are chemical based. They are tested in the laboratories, and that is the biggest difference actually between these two modalities of medicine. And thirdly, I would like to mention here, it's about the approach. Ayurveda has a holistic approach because it believes in mind, body, soul as a whole entity, as opposed to the conventional medicine where it would be, okay, if you have problem ki headache ho raha hai, so then it's only concentrate on giving you paracetamol. But why the headache is happening could be because of the hyperacidity, could be you're going through a stress. So nobody wants to look at the as it in a whole picture. So that is the huge difference between between these two different medicinal systems, I would say. आपने कहा कि सर जो हेडेक है वो स्ट्रेस के कारण होता है, स्ट्रेस की आयुर्वेद में कोई दवाई है? सेवरल रीजंस. स्ट्रेस की कोई आयुर्वेद में दवाई है? आयुर्वेद में हर चीज की दवा है. एंड स्ट्रेस, इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलरली स्ट्रेस, यस अगेन आयुर्वेद लुक्स एट द रूट कॉज. अंटिल वी फाइंड अ रूट कॉज, देयर इज नॉट द क्योर, डेफिनेटली क्योर आपको मिलेगा ही नहीं. सो अगर आपका हेडेक इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, या फिर बहुत ज्यादा चिंता में आप हो, सो द एब्सोल्युटली यू फाउंड द रीजन, तो उसके लिए फिर आपका डाइट चेंज कीजिएगा, आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज करो. आप एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हो शायद, आपका जो आप जिस फील्ड में हो, आप जहां जॉब कर रहे हो शायद उसकी वजह से है. सो वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द कॉज बेसिकली, और अवॉइड इट और इवन टेक इट आउट फ्रॉम योर लाइफ. दैट इज वन एस्पेक्ट आई वुड यू नो सजेस्ट फॉर स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन. सेकेंडली आयुर्वेद में बहुत बहुत सिग्निफिकेंटली जो इम्प्रूव करता है स्ट्रेस रिलीफ इज अश्वगंधा. एंड एक्चुअली इट वॉज इन द न्यूज एज वेल कपल ऑफ मंथ्स अगो, लास्ट ईयर एक्चुअली, दैट वन ऑफ द सर्जरी इन साउथ ईस्ट लंडन, द जीपीज हैव स्टार्टेड प्रिस्क्राइबिंग अश्वगंधा फॉर स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस. यस एंड या हर्ब्स है वहां पे, फिर आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, एंड काउंसलिंग भी होता है आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से. सो इट इज एब्सोल्युटली ट्रीटेबल विथ सिंपल हर्बल नेचुरल रेमेडीज. मैंने एक नोट किया, मेरे एक मित्र हैं, दुनिया में जितनी भी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज रही हैं, जो सिविलाइजेशंस रही हैं, हर एक ने अपना एक ट्रेडिशनल मेथड डेवलप किया है और उस पर वो आज भी स्टिक करती है और उसका उनको बेहतरीन और खूबसूरत रिजल्ट मिलता है. और
इस देश में जो भारत से ये नई स्ट्रीम आई है जिसका नाम आयुर्वेद है, पर उसके अलावा एक चीज़ यदि हम देखा जाए तो चाइनीज़ ने जो अपना खुद का एक हर्बल ट्रीटमेंट सिस्टम डेवलप किया है, आप यहाँ पर जहाँ पर भी हाई स्ट्रीट पर जाएंगे आपको वो शॉप्स मिलेंगे। क्या ऐसी शॉप्स आयुर्वेदिक हर्बल्स की शॉप्स यूके में है? है, काफी जगह पे है आयुर्वेदिक आयुर्वेद शॉप्स, बट मोस्टली आयुर्वेद इज एज आई सेड इज सीन एज अ कंप्लीट होलिस्टिक सिस्टम। सो आयुर्वेद जब आता है तो पंचकर्मा आता है, और आप देखेंगे बहुत सारे हाई स्ट्रीट पे पंचकर्मा सेंटर्स भी हैं। मैं हर्ब्स की बात कर रहा हूँ कि जितनी आसानी से चाइनीज हर्बल सिस्टम की हर्ब्स मिलती हैं, क्या उतनी आसानी से आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलती हैं इस कंट्री में? ये शायद बहुत मुश्किल है। नहीं, उसकी वजह है बिकॉज अगेन अभी तो ब्रेक्सिट की वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस आया है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, फिर जो रिस्ट्रिक्टेड हर्ब्स होती है उसकी लिस्ट हमेशा अपडेट होती रहती है। लेकिन सिंपल हर्ब्स, एज आई सेड कि मोस्ट ऑफ द हर्ब्स एंड स्पाइसेस वी यूज देम एज अ फूड इंग्रेडिएंट्स एज वेल, या तो वो लाने में कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू हैव वेरी सिक्योर सोर्स फ्रॉम इंडिया और वेर एवर यू वॉन्ट टू सोर्स इट फ्रॉम, प्रोक्योर इट फ्रॉम, इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू यू नो इम्पोर्ट इट। सेकेंडली, एज अगेन आयुर्वेदा एम्फसाइजेस टू यूज लोकल हर्ब्स एंड लोकल प्रोड्यूस, सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल। सो मैं जैसे अपनी प्रैक्टिस में यहाँ के नेटिव जो हर्ब्स है वो भी बहुत यूज करती हूँ। इस विषय पे जो आप नेटिव जो हर्ब्स यूज़ करती हैं, इस विषय पे हम इस चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। ये चर्चा एक ऐसी चर्चा है शरीर में या फिर अपने जो बॉडी है उसका खुद की प्रकृति समझकर उसके हिसाब से एक्ट करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और खुद को समझने की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए MA TV के इस विशेष कार्यक्रम थीम स्पीक्स में। Foundation face. Perf with surf. Finding myself. Perf with surf. Everything will be perf with surf. Want a huge 120 gig for a teeny 20 pounds per month? This 5G ready sim is the biggest, smallest thing to happen to your phone. Make any phone punch above its weight by connecting it to EE, the UK's number one network, 7 years running. So get our smallest, biggest sim only deal, a whopping 120 gig for just 20 pounds per month, online or over the phone. That's kind of a big deal. In Yorkshire, when we say that'll do, it means it'll more than do. Great value broadband, award-winning customer service for only £22.99 a month. That'll do. Offer ends 14th of April. Search PlusNet Fibre. At Middleton's, we present our adjustable bed range. Easily move your legs and your back all at the touch of a button. Our 5-point adjustable mechanism provides pressure relief and correct posture positioning. Our range of mattresses ensure your weight is distributed evenly, with a Coolmax cover to ensure your body heat is regulated. Available in single or double and a range of colours. Get the perfect night's sleep at Middleton's. This is an urgent appeal from Save the Children. Health systems around the world are at breaking point, but we must make sure children get the treatment they need for other deadly diseases. That boy has a pneumonia. That boy has pneumonia, this girl has pneumonia, that boy has pneumonia, and there's a new arrival. This is Emmanuel and his twin brother. They've just turned one. But pneumonia has filled their lungs with fluid, and they are fighting for every breath. The condition might deteriorate, and we are at risk of losing them. Pneumonia is a ruthless and painful killer. But there is a simple solution. Emmanuel needs antibiotics. These tablets cost less than £3, and that's all we're asking you for. Text TABLET 10 to 70002 to give £3 a month through your mobile. Your donation will make an even bigger difference for children at such a scary time. They can still have a healthy and happy childhood
if they get the medicine they need. This antibiotic could save a child's life. For children like Emmanuel and his brother, a single text could buy the medicine they need. Please, text TABLET10 to 70002. Your £3 a month could change the future for a child like Emmanuel. Now is the time to switch to Co-op car insurance. So, wherever you are along the road, we have you covered. With new prices and new features, such as our uninsured driver promise that protects your no-claims discount, there's never been a better time to switch to Co-op car insurance. Plus, if you buy direct, you'll also get a £50 Co-op gift card. Switch to us today by searching Co-op car insurance or calling 0800 115 115. Co-op, it's what we do. At Heycar, all our cars come with a warranty. And we offer a 10-day money-back guarantee. Yes, I can. Doubt better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, grab from the bucket. Can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? For the best quality cars, search Heycar now. Hey, buying a car never felt so good. देवी और सज्जनों, थेम स्पीक्स के इस कार्यक्रम ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे थे डॉक्टर कंचन शर्मा से। डॉक्टर कंचन शर्मा से हम उन विषयों पर चर्चा कर रहे थे कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद कहाँ जन्मा कहाँ पनपा, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन के सिस्टम में क्या डिफरेंस हैं और वो सिस्टम इंडिया से यूके कैसे आया और यूके में ये कितना लोकप्रिय है और कितना सहज सुलभ है, इस विषय पर हमारी चर्चा थी। हम इस चर्चा को नेक्स्ट स्टेज पर ले जाने के लिए मैं वापस डॉक्टर कंचन शर्मा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वेलकम डॉक्टर कंचन शर्मा। थैंक यू सो मच। कई बार क्या होता है कि मस्तिष्क, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो अक्ल है या जो स्मरण शक्ति है वो सिर्फ बादाम खाने से नहीं आती है, वो शायद ज़िंदगी में धक्के खाने से और गलतियां करने से आती है। और हम चीज़ें भूल जाते हैं इसलिए क्यों, और वो हमारी गलतियां हैं और हम उस भूल में कई बार हम नाम भूल जाते हैं, ऐसे नाम जो लोकप्रिय नाम हैं लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं, तो हम उनका इंट्रोडक्शन भी कभी कभी गलत दे देते हैं। तो लेकिन शायद हो सकता है वात पित्त या कफ किसी चीज़ का इम्बैलेंस का वो एक इम्पैक्ट है, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे कि इन तीनों चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है। मेरा पहला सवाल है कि वात पित्त और कफ तीनों चीज़ शरीर को कैसे इफेक्ट करती है और उसका क्या इम्पैक्ट है। श्योर। सो ये तीन चीज़ें बेस बनता है आयुर्वेद का। सो दिस इज ऑल फॉर अस टू नो व्हाट आवर ओरिजिन प्रकृति इज। अगेन प्रकृति इज वेरी यूनिक कंसेप्ट टू आयुर्वेद। जैसे बोल सकते हैं हम, जैसे थंब के इम्प्रेशन हर एक के अलग होते हैं, वैसे प्रकृति इट्स अ जेनेटिक इम्प्रेशन। एक बार आपने पहचान ली आपकी प्रकृति क्या है, life becomes very easy and your goal becomes very easy to lead to into a healthy, you know, towards wellness basically. So vat pitta aur kaph, simply imagine them as energies. Jaise vat air, ab air kaise hoti hai, air is all moving, air ko hum control nahi kar sakte hai, theek hai. Dusra iske quality, it's all knowing about the qualities actually. So and then you, once you are clear with the qualities, you can put this concept into food and into lifestyle as well. It's very easy, very simple. So air is all about moving. जैसे दिमाग में हजारों ख्याल आते हैं, आप अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका वात बढ़ जाएगा, एयर फैक्टर बढ़ जाएगा। आप अभी इंडिया में हो, अभी यूके में हो, अभी यूएसए में हो, अभी आपको ये करना है, कल डांस सीखना है, कल आपको पेंटिंग सीखनी है, इट्स ऑल अबाउट मूवमेंट। ओके, सो दिस इज वात इन आवर बॉडी एज वेल। वट एवर इज हैपनिंग, जैसे पल्सेटेशन हो रहा है, ब्लड मूव हो रहा है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट मूवमेंट। सो एयर एनर्जी इज इक्वल टू मूवमेंट। मूवमेंट ज्यादा होगी तो पैर दर्द शुरू करेंगे, वीकनेस आ जाएगा, दिमाग में ज्यादा ख्याल आएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज वॉट हैपन्स वेन एयर फैक्टर इंक्रीजेस। एक में से इंटरेस्ट निकल के दूसरे में चला जाएगा, आधा काम करोगे आप, इसमें आधा उसमें आधा। So that is air factor. Second is pitta. Pitta is about fire.
It's about transformation. Is about metabolism. आपने खाना खाया उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ द पित्ता, जठर अग्नि हम उसको बोलते हैं. इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. अब ये हीट है, पित्ता. अभी हीट की जैसे क्वालिटीज होती है, गर्म, शार्प, यू नो इट्स वेरी शार्प, इट्स तीक्ष्ण, तीक्ष्ण जो बोलते हैं हम, एंड हॉट. सिंपली एसिडिटी है, पित्ता की क्वालिटीज है, आपने समझ लिया उसको. इसका अपोजिट आपने लेना है, वेदर इट्स अ डाइट और लाइफस्टाइल. इसका अपोजिट करेंगे तो ये एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी. ठीक है, द थर्ड वन इज अर्थ, विच इज स्टेबल. अर्थ कैसे होती है? इट्स स्टेबल. बात पित्त एंड कफ, कफ इज स्टेबल, स्टेडी. अर्थ नहीं हिलेगी ना, इट्स वेरी स्ट्रक्चर. द एनर्जी विच गिव्स अ स्ट्रक्चर इज कफा एनर्जी. सो जैसे बोन्स है हमारे, मसल्स है हमारे, जिससे हमारा शरीर बनता है, जो हम सॉलिड. सो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द राइट एनर्जी ऑफ कफा. अगर कफ ज्यादा बढ़ता है, इवन द म्यूकोसल लेयर, जैसे नेजल पैसेज है, ये सब, दिस इज ऑल कवर्ड बिकॉज दिस इज ऑल कफा बेसिकली. अगर कफ बढ़ता है तो हम वही के वही बैठे रहेंगे ना, इट्स स्टेडी. सो वजन बढ़ना है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं करनी है. सॉरी, जो लोग आलसी हैं वो भी कफ बढ़ने से. इट्स बिकॉज ऑफ द कफा. सेम अप्लाइज टू योर माइंड. अगेन आयुर्वेदा नेवर डिफरेंशिएट इज माइंड बॉडी सोल एज अ होल एंटिटी. सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू योर थॉट प्रोसेस एज वेल. व्हेन कफा इंक्रीजेस, आलस जो पहला है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाना, ये भी एक रीजन है कि कफा इंक्रीज होता है. जैसे बुद्धि के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं ना, कि हम सुनते हैं, हम उसका ग्रहण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं. तो ये जो होता है, अगर कफ बढ़ता है तो इसमें से कोई भी प्रोसेस होगी नहीं. सो दीज आर वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स विच आयुर्वेदा रियली यू नो वॉन्ट्स एवरीबडी टू अंडरस्टैंड अबाउट देम सेल्व. और यही है आयुर्वेद का नॉलेज जो है, यही साइंस ऑफ लाइफ है कि आप आपकी एनर्जी को पहचानिए. शायद ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग इन तीन वर्ड्स को, जिनका इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रांसलेट दम इन इंग्लिश, सो इन तीनों वर्ड्स को अच्छे से डिफ्रेंशिएट करें. जो एक नई स्ट्रीम जो आयुर्वेदा है उसके बारे में अच्छे से जिसको डिफाइन करते हैं. वी हैव अ कॉलर, मिस्टर नरेश. नरेश जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ. आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ. आपका प्रश्न क्या है? मैं नरेश सिंह नरू का मैनचेस्टर से कॉल कर रहा हूँ सर. पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हरिंद्र सा, आप हर वीक अपने इस प्रोग्राम थेम्स स्पीक में एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से रूबरू करवाते हैं. रियली काबिल तारीफ है. गॉड ब्लेस यू. कम हम माध्यम है करने वाले, वो है मींस जो गेस्ट है वो. बिल्कुल बिल्कुल. नमस्कार डॉक्टर कंचन शर्मा जी. नमस्ते. जैसे कि आपने बहुत ही सही फरमाया कि आयुर्वेदा इज अ साइंस ऑफ लाइफ, मैं आपसे डायबिटीज के बारे में जानना चाहता हूँ. क्योंकि मैक्सिमम लोग, मैं देखता हूँ कि काफी सारे लोग जितने भी रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में है, लाइक डायबिटीज इज लाइक मेनी ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इट. तो डायबिटीज में जैसे दो प्रकार होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2. आई थिंक टाइप 1 से रिकवरी इज नॉट पॉसिबल. मे बी यू माइट नो इट बेटर. बट टाइप 2 से, टाइप 2 डायबिटीज से कोई आदमी अगर हो गई है तो उसे कैसे रिकवर कर सकता है, और आयुर्वेदा उसमें उसकी कैसे हेल्प कर सकता है, तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ. ठीक है, थैंक यू सो मच नरेश जी फॉर द क्वेश्चन. एंड यस, आयुर्वेदा एक्चुअली chronic condition, which is type 2 diabetes is one of the chronic condition hum bolte hain. Aur Ayurved has significantly, you know, improved life for many, many. I can only speak from my, you know, patients by behalf actually, ki bahut sare success successfully reversed hui hai ye condition. So hum South Asian jo लोग होते हैं उनमें एक्चुअली बहुत प्रीडिस्पोजिशन होता है कि अगर हमने आफ्टर 40 इयर्स जनरली हमने अगर डाइट सही नहीं रखा या फिर एक्सरसाइज हमने इनकॉर्पोरेट नहीं की है, तो देर आर चांसेस कि हम टाइप 2 डायबिटीज हमको हो सकता है. अभी आप अगर एनएचएस की यू नो इफ यू गो थ्रू द एनएचएस सिस्टम बेसिकली, कि आपका अगर शुगर हाई आ रहा है ब्लड में, तो पहले आपको बोलेंगे कि यू नो टेस्ट कीजिए शुगर कितना है. डिपेंडिंग ऑन द शुगर लेवल एक्चुअली यू आर आस्क्ड टू चेक एंड चेंज योर डाइट.
क्योंकि वहां वो जो बिफोर यू गो ऑन एनी डायबिटिक मेडिकेशन देर इज अ पीरियड एंड देर इज रियली मोर चांस ऑफ यू यू कैन गो बैक टू एंड रिवर्स द कंडीशन. सो वहां पे आयुर्वेद बहुत ज्यादा इफेक्टिवली हेल्प करता है. सिंपल हर्ब्स, बहुत ज्यादा सिंपल हर्ब्स, सिंगल हर्ब्स समटाइम्स यू नो हेल्प टू रिवर्स द कंडीशन. मेरे खुद के बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, लेकिन सिर्फ हर्ब से नहीं होता है. सो डाइट हैज टू बी चेंज्ड. वही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है पेशेंट को ये अंडरस्टैंड करने में, बिकॉज इट्स इजी फॉर अ पेशेंट टू टेक टैबलेट रादर देन चेंजिंग द होल डाइट एंड लाइफस्टाइल. लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म पे अगर देखना है और आपको रियली इच्छा है कि रिवर्स करनी है ये कंडीशन, डेफिनेटली आयुर्वेद में बहुत इजीली पॉसिबल है ये. आई थिंक उनका सवाल बड़ा स्पेसिफिक था कि ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं जो इसमें हेल्प करती हैं, ऐसी कौन सी डाइट की इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो इसमें हेल्प करती हैं रिवर्सल प्रोसेस में. अच्छा ठीक है. सो अगेन एज आई सेड कि आयुर्वेद है ना, जैसे त्रिफला का मैं एग्जांपल दूं कि एक त्रिफला भी मैं अगर यूज करूं और बराबर मात्रा में यूज करूं और राइट पर्सन की एनर्जी जान के उसको राइट डाइट और लाइफस्टाइल सलाह दूं तो वो भी रिवर्स कर सकता है. So choosing herb is very very you know unique to the Ayurvedic practitioner's knowledge. लेकिन जनरल तौर पर हम अगर आप देखते हैं तो डायबिटीज का जब भी जिक्र होता है तो जामुन, करेला, you know करेला बीज या मधुनाशिनी, गिलोय, ये बहुत सारी herbs आती है जिसका यूज इफेक्टिवली हम कर सकते हैं रिवर्स करने के लिए. अगेन वन हैज टू लुक एट कि डायबिटीज हुआ किस वजह से है, ठीक है, इनका डाइट क्या है. Mostly if we see at our Indian diet, our diet is heavily based upon carb. ठीक है, carb, जैसे रोटी हो गई, जैसे चावल हो गया, and then we complement it with थोड़ा सी सब्जी, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा सैलड, ऐसे करके हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसको. लेकिन heavily it's three times, सुबह ब्रेड खा लिया या फिर सीरियल, ठीक है, दोपहर के भोजन में हमने रोटी या फिर राइस खा लिया, ठीक है, और शाम को खाने में भी रोटी सब्जी हमने खा ली. सो थ्री टाइम्स इफ वन पर्सन इज हैविंग ए डाइट विच इज हेवीली बेस्ड अपॉन कार्ब, दैट हैज टू बी चेंज्ड, बिकॉज इतना शुगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना इंसुलिन भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा बॉडी को, ठीक है. सो ये एक डाइटरी एस्पेक्ट हुआ. दूसरा एस्पेक्ट है कि लाइफ स्टाइल. ऑफिस बेस्ड में जो जॉब करते हैं 9 to 5:30 अगर चेयर पे बैठ के आप कंप्यूटर के भी सामने काम कर रहे हो तो आपने इन कैलोरीज के, क्योंकि यंगस्टर्स जो है उनको शायद कैलोरी के यू नो क्वांटिटी और से ज्यादा कैलोरी में ज्यादा समझ आएगी, तो अगर आपने 2000 कैलोरीज पूरे दिन में खा ली है, ले ली है, लेकिन आप अगर थोड़ा भी एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो तो दे आर गोना सिट विद यू 2000 कैलोरीज. You need to really do something to burn those calories. अगर वो burn नहीं हो रही है because lack of exercise or lack of physical movement basically, तो क्या होगा, वो calories they get converted into sugar and into fat. There is a straight clear link. Yeah? तो ये भी आपको change करना पड़ेगा. और फिर third aspect आता है कि भाई herbs कौन से use करें. The herbs like I mentioned गिलोय और मधुनाशिनी बोलते हैं, और यू नो करेले का बीज और जामुन का बीज जो भी है, व्हाट दे डू एक्चुअली, दे गो एंड ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. लेकिन इसके लिए इंसुलिन तो ट्रिगर हो गया, लेकिन उसके अकेले के भरोसे कुछ नहीं होने वाला. आपको डाइट में कार्ब कम करने पड़ेंगे और आपको थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, एंड देन कलेक्टिव इफेक्ट इट इजीली रिवर्सिबल कंडीशन. शायद ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, जैसा आपने कहा कि एक इंडिविजुअल जर्नी है लोगों की, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी की एक खुद की अपनी प्रकृति है, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती. मैं इन्हीं सवालों पे वापस आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा कि वॉट इज योर पैशन इन योर लाइफ एंड हाउ डू यू फुलफिल इट हियर. My interest and my career goes hand in hand. So just say we are social creatures and we benefit from socialization. Hum akele nahi reh sakte, hum social being hai. So what we put into the world definitely comes back to us. इनर पीस बोलते हैं हम, कंटेंटमेंट होता है एक, और वेलबींग भी होता है हमारा, तो वो हमको सोसाइटी से ही मिलता है मोस्टली, ठीक है. सो माई पैशन इज creating awareness first of all in the society of ways or methods change hote hain. So it could be my
नॉलेज फ्रॉम भारत जो भी मैं लेके आई हूँ वैदिक स्क्रिप्चर्स का हो सकता है. सो इसीलिए हमने आई एम लिंक्ड टू द लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एजुकेशन. सो इसके द्वारा हम जो ऑथेंटिक वैदिक स्क्रिप्चर है उसका नॉलेज प्रोपोगेट कर रहे हैं. दैट देन थ्रू आयुर्वेद I'm trying to empower people with the knowledge of Ayurveda कि भाई खुद की प्रकृति को जानिए. बहुत ज्यादा herbs पे बहुत ज्यादा chemically produced जो drugs होते हैं उस पर dependent ना रहिए, थोड़ा exercise करिए. So that's something I give to society definitely. And I think it's developing a habit to uplift and helping others is the ethos, is always the ethos in whichever work I do, that has to be there, whether it's a charity work, whether it's doing workshops, etc. You are based in Sutton. In Sutton, yeah. There's a huge community. It's a diverse background in the whole Sutton. You can find from different diverse background people are there. जो आपके पैशन है उनमें से कोई ऐसा काम जो सटन में आप स्पेशली जिनसे लिंक्ड हो या ऐसा कोई काम जो आप अभी कर रही हैं. Actually, आज का तो बहुत बहुत अच्छा दिन है. Actually, it's not what I am been involved in establishing a Sanatan Hindu temple. So through life, जो organization का मैंने जिक्र किया, London Institute of Vedic Education. So in through this organization, we actually managed to acquire a property. Today, the exchange has happened. ये सटन के नजीक में है, कुल्सडन में है, और we're thinking about opening a Sanatan Hindu temple there. So हमने started August में bank holiday weekend जो है August का वो सोचा है. So वो जो कार्य है जो अभी भी हम कर रहे हैं, it has given me immense, absolutely satisfaction. और ये बोलते हैं ना कि contentment, ये जो word है. So ये 3-4 हफ्ते से हम पूरे project में कितने लोग आपके साथ हैं? Whole community has been instrumental, to be honest, and especially certain people. If I talk about the community efforts, and if I talk about the committee itself, what the London Institute of Vedic Education is formed of, so there are around 30 people. So again, some people like from me, so main usme link hui hu because of the Ayurved background. Ki jab bhi inko kuch Ayurved ka program karna hai, to main I'm, you know, education lead on that part. Then we have a Sanskrit scholar. Then we have an IT personnel. We have somebody who's taking classes for youngsters. So, ऐसे 30 लोग हैं जिन्होंने शुरुआत की. लेकिन community के बारे में मैं definitely आपको quickly बोलूँगी कि ये fundraising के दौरान जो community ने support दिखाया है. So somebody has started giving free yoga classes, and through that, this young yoga teacher has actually managed to raise £1,500. सिर्फ हनुमान चालीसा किसी ने ऑर्गेनाइज किया है. नियरली £3,000 दे मैनेज टू फंड रेज. सो ये जो इन्वॉल्वमेंट है कम्युनिटी का, दैट इज समथिंग डेफिनेटली आई नेवर एक्सपीरियंस्ड इट. एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट टू हैव बीन एबल टू लिंक विद सो मेनी वंडरफुल सोल्स अराउंड मी. सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा दिन है आज की. साउथ लंदन विल सी ए न्यू सेंटर फॉर द कम्युनिटी जहाँ पर Absolutely. उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ वैदिक एजुकेशन और आई कैन से जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं डाइवर्सिटी की या इंडिया सिस्टम्स जो रिलेटेड हैं उनकी, शायद उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक पैनोरमा जैसा देखने को मिलेगा और शायद Absolutely. बच्चों को और नई जनरेशन को उससे बड़ा फायदा होगा. सटन और जो आपके साथ के लोग हैं उन सबको इसके लिए बधाई. आज मेरा नेक्स्ट जो सवाल है, हर आदमी जो इन कामों में रहता है, जैसे अभी आपने कहा कि आप वैदिक सोसाइटी से जुड़ी हैं, लेकिन फिर भी आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और वो आपकी फेवरेट क्यों है, उसका क्या रीजन है? I'm a vivid reader. Book बहुत ज़्यादा read करती हूँ. I'm from old school. जो paper book read करते हैं. Kindle अभी है लेकिन use नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा. वो किताबें क्योंकि उससे किताब के जो पन्ने हैं उनसे एक अलग तरह की खुशबू आती है. Absolutely, absolutely. और उसको you corner पे मोड़ के you can come back to it. It's just fond memories actually. बचपन से भी आदत हुई है. So it's really I do get lost basically when I read books. सब भूल जाती हूँ आजू बाजू का. And yes, अभी थोड़ा समय कम मिलता है
Like, and whenever it is, I do try to pick up the book. I have a huge, you know, selection of books at home, और बड़ी सी लाइब्रेरी है. लेकिन अभी अभी करंट सिचुएशन में जो मैं एक बुक का डेफिनेटली जिक्र करना चाहूंगी इज रिटन बाय 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम. एंड इट इज ऑल अबाउट हिज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस व्हाट ही शेयर्ड विद प्रमुख स्वामी महाराज. इज दिस कॉल्ड ट्रांसेंडेंस? It is indeed, yes. And it's such a wonderful read, actually. And as I said, my passion, my career and my hobbies goes hand in hand. And this is just all about how important it is for it to create a society. We need to have the fusion of science and spirituality. And when it comes from a person who is a pioneering scientist, Dr. APJ Abdul Kalam Azad, and when he talks about his experiences and how it has transformed his vision of spirituality by just having conversation with Pramukh Swami Maharaj, who is a spiritual leader of a Hindu organization called BAPS. So it's really a wonderful book. And anything which you want to quote, if you remember from that book? Quote particularly one or two lines to nahin, any special incident or any special experience which you want to share from that book. So why I would encourage everybody to read this book is definitely because first this book is, first of all, let me give you just quickly a brief introduction about this book. This book has written in four different chapters. So each chapter ka ek इम्पोर्टेंस है या एक्सपीरियंसेस शेयर हो रहे हैं या इसमें एक मैसेज आ रहा है. तो पहला था, फर्स्ट इज अबाउट हिज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ओन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैविंग कॉन्वर्सेशन विद प्रमुख स्वामी महाराज. द सेकंड इज अबाउट द सोशल वर्क, हाउ ही गॉट रियली इम्प्रेस्ड बाय द सोशल वर्क दिस organization is doing in parts of world or in parts of specifically Gujarat where the organization is based. Actually, the third part, which is really touching, really where I really got interested into, is about way ahead for the humanity is only possible when if we compose these two aspects, spirituality and science. So इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा references दिए हैं. So you would read references from Aristotle, references from Martin Luther King, you will read references from Dalai Lama and his own experience as a physicist point of view. और फिर आपको इतना ज्यादा इन्होंने अच्छी तरीके से समझाया कि for both science and religion, what we require is believe in God. ये इनके वर्ड्स लिखे हुए हैं इसमें. एंड फॉर ए बिलीवर गॉड इज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग. ओके, फॉर अस बिलीवर गॉड इज एट द बिगिनिंग, ये भगवान ने किया है. वी जस्ट ब्लेटेंटली से एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ ये भगवान ने किया. बट फॉर फिजिसिस्ट द गॉड कम्स आफ्टर ऑल हिज कंसिडरेशन हैज बीन एग्जॉस्टेड. फिर कुछ पता नहीं चलता कि उत्पत्ति कहां से हुआ एटम की, व्हाट इज द बेस. फिर बोलते हैं इट्स अ कॉस्मिक फोर्स. And that's a physicist point of view. So this comes in the third. And the fourth last chapter is all about creative leadership. So it's a whole book is really good, to read, to understand the social infrastructure. And the whole point why he written this book is he wanted India to change from a developing country to a developed country. And then he seek advice from Pramukh Swami Maharaj, how he can achieve that vision. शायद ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे सीखने का मौका देती है. कुछ चीज़ें जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि एक ज़िंदगी इन सारी एक्सपीरियंस सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए काफ़ी नहीं है. तब हम किताबों का सहारा लेते हैं जिससे हम दूसरों के एक्सपीरियंस को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं. और इन सारे अनुभवों को लेकर हम अपने खुद के जीवन की एक यात्रा शुरू करते हैं या एक रास्ता बनाते हैं. पर फिर भी एक सवाल फिर भी खड़ा है जो शायद हर दर्शक के लिए खड़ा है. और वो सवाल ये है कि हमारी खुद की प्रकृति क्या है, ये पूछता आयुर्वेद. और जो आदमी स्पिरिचुअलिटी में घुसता है उसका पहला सवाल होता है कि मैं कौन हूँ. और तब शायद कहीं से कोई एक आवाज़ आती है, वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि. ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इन सारी चीज एक साथ बांधे रखती है. महर्षि चरक ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने इस जीवन से अच्छे स्वास्थ्य की कामना रखता है और इसलिए उसे उन भावों का दमन करना चाहिए जो उसे बुराई की तरफ ले जाएं, चाहे वे मानसिक रूप से हो, मौखिक हो या शारीरिक हो,
शायद उन्होंने पहले ही कह दिया कि आप आपके शरीर से या मन से या बुद्धि से यदि आप कहीं पे भी बुराई की तरफ घुसे तो शायद आप अपने स्वास्थ्य खो देंगे। लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वास्थ्य रहें, स्वस्थ रहें। एक चीज़ और कहूँगा कि कोविड के बाद आयुर्वेद की 50-90% ग्रोथ हुई है हर सेक्टर में। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि लोगों का इस पर विश्वास बढ़ा है। डॉक्टर कंचन जी शर्मा जो आज हमारे साथ थी और सॉरी जो आज हमारे साथ अभी हैं उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने हमारे साथ शिरकत करके हम सबको ज्ञानवर्धित किया। वो अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से पैशन से और अपने आसपास के कामों के साथ बिताते रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। मैं आप सभी दर्शकों से इस कार्यक्रम की इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।